chameleon dreams. Assalamu alaikum ji, aap log dekh rahe hain Muhammad Kamil Khan ka YouTube channel. Latest kya hai hamare saath? Latest hai ji, England ki team jo hai wo Pakistan aap punchi hai. Ab bahut hi zabardast news hai, 7 T20 unhone yahan pe khelne hain. Iske alawa 2004 mein England ki team Pakistan aayi thi aur jo last match tha wo 2004 mein unhone khela tha, jo ki Pakistan 6 runs se wo match haar chuka tha. जिसमें एंडरसन जो थे वो 23 साल के थे जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी. उसके बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आई. लेविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन और बिन स्टोक जो है वो मिसिंग है, लेफ्ट आउट ऑफ दिस सीरीज. बट जॉस बटलर इज हेयर, आप उनको देख सकेंगे इंशाल्लाह. और इसके अलावा मोइन अली और बाकी जितने प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं, लेकिन हार्डली तीन चार ने विजिट किया है पाकिस्तान. द रेस्ट ऑफ द टीम जो है उनका विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम है. बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट होने वाली है. और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्वाड में कुछ चेंजेस हुए हैं. अबरार अंदर आया, आमिर जमाल लड़का जो है अंदर आया. ये अबरार को तो मैं जानता हूँ बहुत क्लोजली, मैंने इसको वॉच किया KPL में. बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग है इसकी और एक अच्छा सलेक्शन है मैं कहूँगा वसीम की तरफ से, मोहम्मद वसीम की तरफ से. हाँ, वर्ल्ड कप की सलेक्शन पर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन ये जो हमारा एपिसोड है वो इंग्लैंड के हवाले से है. इंग्लैंड की टीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. इंग्लैंड की टीम का स्क्वाड जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा स्क्वाड उनका जो है वो मेंशन है. जॉस बटलर जो है वो कैप्टेंसी करेंगे और बाकी उनके साथ जो है ना उनकी तगड़ी टीम है. मोइन अली जो है वाइस कैप्टन है. यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का स्क्वाड जिस तरह आपको नज़र आ रहा है. और एज़ यूजुअल अगर इंशाल्लाह होंगे हमारे कैप्टन टिल द एंड, जब तक उनका करियर होगा वही कप्तान रहेंगे. बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ और शादाब खान जो उनके साथ है वाइस कैप्टन. तो ये मार्का आप लोगों ने इंशाल्लाह मिस नहीं करना और हमने भी इंशाल्लाह जो है आप लोगों को अपडेट्स देने हैं. तो देखते हैं कि ये सीरीज कौन जीतता है, क्योंकि स्ट्रेट अब इसके बाद है वर्ल्ड कप, जिसके लिए एक भरपूर तैयारी इंशाल्लाह दोनों टीम्स को करनी चाहिए और भरपूर परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए ताकि वर्ल्ड कप में दूसरी टीम्स पर चल.